दोस्तों नमस्कार, प्रकाश मोटर ड्राइविंग स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज भैया हमारे साथ सीख रहे हैं, इनका नाम जान लेते हैं और कितने दिन हुए। नमस्कार, राम ज्ञान त्रिपाठी। राम ज्ञान त्रिपाठी नाम है भैया का। कितने दिन हो गए? 11 दिन। 11 दिन हो गए अब तो, लगभग लगभग आ गई होगी गाड़ी। किधर किधर चलाए हो अभी तक? सचान की तरफ दबौली, और ये दबौली सिंगल रोड चला चुके हो? हाँ सिंगल रोड। क्या दिक्कत क्या आ रही इस समय? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? बाकी जैसे चौराहे उराहे पे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, निकाल लेते हैं। चलो आज देखते हैं क्या क्या कमी करते हो। दोस्तों हमारे ड्राइविंग से रिलेटेड और मैकेनिकल से रिलेटेड, नई पुरानी गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों। देखते हैं भैया आज 11 दिन हो गए, 12वें दिन। हाँ, 12वें दिन कैसी गाड़ी चलाते हैं अब बताओ। गाड़ी में बैठने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए चलाने से पहले? न्यूट्रल है कि नहीं है? और न्यूट्रल है कि नहीं है बताओ? न्यूट्रल है प्रेजेंट टाइम में। और ये ब्रेक जैसे हटाना है, हटाओ। अब इसके बाद क्लच दबाना है और गाड़ी स्टार्ट करना। पहले मिरर चेक करो सेट है कि नहीं है। मिरर सेट है। सेट है? ये मिरर कैसे सेट करोगे? लुकिंग ग्लास ये नहीं मालूम ये। करो ऐसे करो, पहले घूम के देखो पीछे। ये पीछे शीशा दिख रहा है? बैक लाइट, बैक वाला शीशा, वो शीशा इस मिरर में पूरा दिखना चाहिए। ऐसे सेट करो। हो गया? हो गया। अब क्या चेक करना चाहिए? अब और कुछ नहीं, बस सीट एडजस्ट करनी चाहिए। अगर सीट सही नहीं है, आप सही से नहीं बैठे हो, तो चाहे जितनी गाड़ी आती रहे आती हो प्रॉब्लम आएगी चलाने में। अच्छा। देखो कैसे बैठे हो, पूरी सीट आगे, ये घुटने आपके इसमें लड़ रहे हैं। ठीक है, पीछे करो सीट। अब देखो क्लच दबा के अब ठीक है। मिरर सेट हो गए तीनों, सीट एडजस्ट हो गई। ठीक है, सीट बेल्ट लगाओ। इसी गाड़ी से? रुको थोड़ी देर, इनको सिखा के आए। हाँ बैठ जाओ, बैठो उस तरफ से आओ, उस तरफ से। ठीक है, ठीक है। अब क्या चेक करना चाहिए? अब चालू करना चाहिए। हाँ, अब स्टार्ट करो। चालू करो। चाबी, चाबी दो भाई। अभी कहाँ दिए? ये लो। ठीक है, ठीक है, सीट सही है। अब ज़्यादा आगे कर लेते हो, चालू करो। ठीक, अब देखो चालू करने के बाद गाड़ी में देखा करो, मीटर में कोई ऐसा इंडिकेटर तो नहीं जल रहा जो किसी प्रॉब्लम को बता रहा हो? देखो कोई जल रहा? नहीं जल रहा। कोई तो जल रहा होगा। सीएनजी जल रही? वो तो जलेगी, सीएनजी गाड़ी है। ये देखो आगे बेल आइकन जैसा है। हाँ, बेल आइकन। क्या है ये? ये सीट बेल्ट, मतलब बेल्ट। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया? हाँ, आगे जब दोनों लोग लगाए होंगे तभी सीट बेल्ट का निशान हटेगा। अच्छा, तब तक गाड़ी आपको बताती रहेगी कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई। ठीक है, ठीक। अब हट गया? अब बढ़ाओ। अब देखो जब गाड़ी लेफ्ट में खड़ी हो और जब गाड़ी बढ़ेगी तो आगे रोड पे राइट में बढ़ेगी, तो पहले राइट को इंडिकेटर दो जिससे पीछे वाला समझ जाए कि गाड़ी आगे बढ़ रही। राइट वाला पैर ब्रेक पे भी नहीं रखे, ब्रेक पे रखो राइट वाला पैर। हाँ, दबाना नहीं है। ठीक है, अब छोड़ो क्लच, धीरे धीरे बढ़ाओ अपने हिसाब से। पहले यू टर्न लेंगे फिर चलेंगे दबौली। पहले यू टर्न लेके फिर दबौली चलेंगे। क्यों? यू टर्न आपसे देख लेंगे कैसे लेंगे। यू टर्न देखना है? यू टर्न तो रोज करते हो गए लगभग लोग। हम आज गोविंद नगर चलवाना चाह रहे थे। चलिए तो गोविंद नगर चलते, ऐसा कुछ नहीं। चलो गोविंद नगर चलो, फिर वहाँ से यू टर्न एक मिलेगा वापसी में। ठीक है, ठीक है। बढ़ाओ अपने हिसाब से गाड़ी मिरर में देखते हुए। ये कमी करते हो, स्टेयरिंग देख रहे हो सीधी है कि टेढ़ी? स्टेयरिंग नहीं देखना, केवल रोड पे देखना है। छोड़ो क्लच, स्टेयरिंग चाहे जैसी हो। चालू करो फिर से, गियर पड़ा रहने दो, क्लच दबाओ गाड़ी चालू हो जाएगी। हाँ, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, उतना छोड़ो जितने में गाड़ी चलने लगे। और छोड़ो, और छोड़ो,
और छोड़ो ये देखो रोड, और लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में सामने देखो, सामने देखो, क्लच छोड़ो पूरा, क्लच छोड़ो, बढ़ाओ अपने हिसाब से चलाओ, रेस लो रेस लो। गियर चेंज करो, पूरा क्लच दबाओ, इसीलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि आप वेट करते हो, ट्रेनर जब बताए तब आप करें, है ना। आपको वेट नहीं करना, आपको जो ठीक लगे जिस समय करो, ठीक है। जब गलत करोगे तब ट्रेनर बताएगा। क्लच पूरी छोड़ो और आराम से रोड पे देखो दूर, चलो अच्छा दबौली चलते हैं, ऐसी जगह चलो, चलो हॉर्न दो, गोल से मोड़ना है, ठीक है। ब्रेक पे पैर रख लो, गाड़ी चलने दो और दूर देखो, जब नज़र दूर रखोगे तभी। अब ज़्यादा स्लो हो गई, क्या करोगे, क्लच दबाओगे, हाँ डालो फर्स्ट गियर आराम से, ब्रेक पे पैर रखो ना, घुमाओ घुमाओ पूरी रोड देखो, देखो रोड सीधी करो आराम से, सामने देखो और आराम से गियर चेंज करो, क्लच दबाओ पूरा, छोड़ो क्लच और आराम से, सामने देखो और आराम से चलो, नंदलाल वाले रोड पे मोड़ना है, हाँ आराम से ब्रेक पे पैर रखो, गाड़ी चलने दो, जहाँ भी रिक्स वाली जगह देखो ब्रेक पे पैर रख लो और दबानी नहीं, गाड़ी उसी स्पीड में लगभग चलती रहेगी, देखो रोड और आराम से चलो, दे दो इंडिकेटर अभी से, ब्रेक पे पैर रखो और स्लो करो धीरे धीरे, नज़र रोड पे रखोगे तभी मोड़ पाओगे, पैर ब्रेक से नहीं हटाना है, ठीक है, ठीक है। चलने दो ऐसे, देखो सामने देखो दूर, पैर ब्रेक ही पे रखो, अभी रेस नहीं लेनी, अब क्लच छोड़ो पूरा, अब बढ़ाओ धीरे धीरे, सामने देखो, हाँ बढ़ाओ चला तो ले रहे, क्या दिक्कत, हमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, बस थोड़ा डर है अंदर, डर है, हाँ डर निकल जाए समझो, हो गया, डर आप ही के निकालने से निकलेगा, और आराम से और आराम से, ब्रेक पे पैर रख लो, चलने दो, देखो सामने और आराम से, देखो थोड़ा राइट जाओ धीरे धीरे मिरर में देख के, चलना दो चलना दो, देखो सामने वाले सिंगल रोड पे तभी साइड दिया करो जब तुम्हारे पास हो और उसके पास ना हो, ठीक है। अब देखो सामने से आ रहा, अब यहीं से साइड दे दोगे तो कहाँ जाओगे, उसके पास साइड है, खुद साइड में चला जाएगा, अच्छा। नहीं जाएगा तो रुकेगा, अच्छा ये चीज़, हाँ ये हम गलती करते हैं, ये हमेशा जो पहले साइड दे देते हो, हाँ। जगह हो चाहे ना हो, हॉर्न दो हॉर्न दो, ज्यादा नहीं परेशान ना हो, बड़ा पुलिस वाला एकदम छुआ के ले गया,
और आराम से, और आराम से चलो। देखो सामने बाइक को बुलेट वाला किधर जा रहा, गड्ढा बचाओ, ये नहीं बचा पाए। अब देखो यहीं से अंदाजा लगाओ किधर से निकल पाओगे, लेफ्ट से ही निकल। हाँ निकलो और आराम से, रोड देखो और बढ़ाओ स्पीड, सामने देखो। हाँ सीधे रखो, सीधे रखो और बढ़ाओ स्पीड। तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते, बचाना तुम्ही को है। बस उस दिन तो प्रैक्टिस होती है। अच्छा अब स्लो करो हल्की सी, बैटरी वाला आगे रहेगा तुमसे। हॉर्न दो, अब निकालो, निकाल लो। अब देखो टेम्पो वाले के पास साइड है, चलते रहो सीधे, खुदे साइड में जाएगा। देखो गया साइड में, सीधे करो। सामने वाला सोचता है कि हमको बिल्कुल इधर उधर ना गाड़ी करनी पड़े, लेकिन जब वो समझ जाएगा कि आप नहीं हटाओगे तब वो साइड देगा आपको। सीधी रखो यहीं पे, यहीं पे सीधी रखो और आराम से चलो, चलते रहो। ब्रेक पे पैर रखो, ये बढ़ाओ। पहले से आइडिया लगा लिया करो कि सामने वाले को निकालने के लिए कितना स्लो करनी पड़ेगी कि पूरी तरह गाड़ी खड़ी भी ना करने पड़े और सामने वाला भी निकल जाए, आपको भी प्रॉब्लम ना आए। अब देखो आगे से हमको लोगों को लेफ्ट चलना है, दे दो इंडिकेटर अभी से।